आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए डालते हैं एक नजर अब तक की खास खबरों पर। रोहित और रहाणे की साझेदारी ने भारत को दी वनडे में पहली रैंकिंग। हार्दिक पांड्या बने मैन ऑफ द मैच। दुबई में सेलिना ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म। जन्म के तुरंत बाद एक बच्चे की मौत। ट्विटर के जरिए सेलिना ने दी खबर। एक दिन के सत्याग्रह पर बैठे अन्ना हजारे, मोदी को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। राहुल के अमेठी दौरे को हरी झंडी। डीएम ने कार्यक्रम प्रतिबंध की खबर को बताया गलत। मुहर्रम के मौके पर भड़के दंगे, यूपी के 5 से ज्यादा जिलों में हिंसा की घटनाएं। बॉक्स ऑफिस पर वरुण का जलवा बरकरार, 3 दिनों में 60 करोड़ की कमाई। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने जेट एयरवेज को लगाई लताड़, ट्विटर पर लगातार ट्वीट कर जताई नाराजगी। रेलवे ने किए नियमों में बदलाव, यात्रियों को हो सकती है परेशानी। नेशनल लेवल पर फैशन शो के ऑडिशन शुरू, जल्द होगा देश के अलग अलग कोनों से हुनर का चुनाव। कूड़े की समस्या से निपटने के लिए ईस्ट एमसीडी ने निकाला नया तरीका। लैंडफिल साइट्स की जगह कंपोस्टिंग प्लांट पर जाएगा कूड़ा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए तारीख हिंदुस्तान न्यूज में तनिषा शर्मा के साथ। धन्यवाद।